लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। रात के हमारे घर में क्या कर रहे हो? हमें लोटिया पठान ने भेजा है। आज कर्जा चुकाने का आखिरी दिन था, लेकिन तुमने चुकाया नहीं, इसीलिए याद दिलाने आए हैं। हाँ हाँ, याद दिलाने की जरूरत नहीं, जब हमारे पास होगा तब दे देंगे। तूने तो कहा था कि जब तेरी बेटी स्टेज पर गाने लगेगी पैसा बरसने लगेगा। उसके तो 25 शो हो चुके हैं, लेकिन तेरी मौसमी बरसात का एक आध छींटा भी उन तक नहीं पहुंचा। ज्यादा चपड़ चपड़ मत करो और दबाओ जाओ यहाँ से, वरना पुलिस को मैं बुला। सुनो श्यामलाल, अगर कल 12 बजे तक पैसे नहीं पहुंचे तो याद रखना, तेरा मौसम खराब कर देंगे हम। धमकी देते हो सालो? धमकी नहीं, ये तो सिर्फ दस्तखत है। पूरा दस्तावेज तो कल लिखा जाएगा, और तब तक लिखा जाएगा जब तक तेरे जिस्म में खून है और हमारी कलम में दम। कैसे बात करता डैडी जी? हम नंबर एक का, नंबर दो का पूरा पैसा दे दिया सर। 50,000 रुपया और ऊपर से मांगता। कमिटमेंट इज कमिटमेंट सर। कृष्णामूर्ति वो सब हम नहीं जानते। हमार बात तो बिल्कुल सीधी है कि 50,000 रुपए नहीं मिलेंगे तो मोहिनी रेसल पे नहीं आएगी। क्या बात करता सर? क्या हुआ कृष्णामूर्ति, आप बड़े परेशान नजर आ रहे हैं, सब ठीक तो सर? वो श्यामलाल जी 50,000 रुपया ऊपर से और मांगते हैं सर। क्या? और सर शो कैंसिल करने का धमकी देते हैं जी। अच्छा हाँ श्यामलाल जी, अरे आपकी बेटी जैसी महान कलाकार के लिए 50,000 रुपए क्या चीज है? आप जब चाहें ले सकते हैं। ये सरासर ब्लैकमेलिंग सर। शट अप कृष्णमूर्ति, श्यामलाल जी जैसे आदमियों से बात करने की कोई तमीज है? आप चाहिए और 50,000 रुपए लेके आइए। श्यामलाल जी आप मोहिनी को लेकर हमारे घर पर आ जाइए, मैं वहीं आपको पैसे दे दूंगा। ये रहे आपके 50,000। अरे गिन तो लीजिए। अरे सक्सेना, ये सब क्लर्की के काम श्यामलाल नहीं करता। ज्यादा कम हुआ तो कसम काशी विश्वनाथ की तुमको बहुत अफसोस होगा। अच्छा तो हम चलते। अरे श्यामलाल जी सूखे सूखे ही चले जाएंगे, मोहिनी को रिहर्सल पर जाने दीजिए, आप तो हमारे साथ बैठिए, जरा गला तर करेंगे। हम अभी आते हैं। अरे मोहिनी बेटी, मोहिनी बेटी तुम रिहर्सल पे जाओ, हम जरा सर। और आप यहाँ बैठकर शराब पियेंगे और मैं वहां नाचूंगी। अगर यही बात किसी और ने हमसे कही होती ना तो हम उसे जान से मार डालते। आप मुझे नहीं मार सकते क्योंकि आपकी शराब, आपका जुआ, आपकी ऐश, सब कुछ मुझसे चलता है।
मैं आपकी दुकान हूँ पिताजी, और इस दुकान को बंद करने की हिम्मत आप में नहीं। अरे लाओ सक्सेना ग्लास दो। वाह, चीयर्स। चीयर्स। राम साधे, पैसा नहीं आएगा तो मोहिनी रिहर्सल पर नहीं आएगी है? 50,000 बंद कर दो इस बुड्ढे को, और जब शो शुरू हो जाए तो फेंक देना इसे बैक स्टेज पर अपनी बेटी का गाना सुनने के लिए। मोहिनी, 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 मोहिनी। का इंतजार। कौन है वो? वो जिससे मैं करती हूँ प्यार, और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार। कैसे? ऐसे। Hey!
सलाम वालेकुम भाईजान। राम राम मुन्ना भाई। यहाँ बैठे मुन्ना भाई। पटकी के अड्डे पर पुलिस की धावपड़ी है मुन्ना भाई, फिर भी अपन माल बचे कर रहा है। ये रहा आज का हफ्ता। आज अखा दिन में सिर्फ 150 बाटली गई मुन्ना भाई, इसीलिए। अरे वो महीने के आखिरी दिन चल रहे ना मुन्ना भाई, इसलिए कोई तीन पत्ते खेलने आता ही नहीं। तेरी जिंदगी और मौत के बीच का फासला मुन्ना के चाकू की धार से ज्यादा नहीं है। आइंदा कभी झूठ बोला तो पत्ते लगाने के लिए भी हाथ नहीं बचेंगे। इधर खड़ा रे। अबे साले, मुन्ना पैसा लेता है लेकिन बाकी लफड़े से तो बचाता है। जल्दी करो जल्दी करो, टाइम खोटी मत करो, पुलिस स्टेशन में हाजिरी देने जाना है। ए बकिया, तुम लोग अभी तक यही हो? तुम लोगों की स्ट्राइक है, रेलवे की स्ट्राइक है? ए इधर इधर, बहुत मार लगे रड़ा किया। मैं बताता हूँ मुन्ना भैया, अपने वहां एक नवी गैंग आई लिए स्टेशन के पास हनुमान गली में फिरती है और अंधेरे में आपका धंधा लूट लेती है। उसी गैंग ने बेचारे तोपड़े को बहुत ढूंढता और बेचारे के पूरे पैसे छीन लिए। किसकी गैंग? कोई मुकुट बिहारी नाम का आदमी है, बागांव से खून करके आया है, वही चीन का दादा है। कुछ अता पता मालूम है तेरे को? कुछ नहीं, अंधेरे में उनका थोपड़ा तक नहीं दिखा। और आजकल हनुमान गली में नवरात्रि का डांडिया चल रहा है ना, उसे भीड़ में पहचानना भी मुश्किल है। डांडिया के बाद सारा पैसा लुटाई देगा तो हमारा तो बहुत नुकसान हो ही जाएगा।
पति गयो खलास थई गयो या तो दूसरा डांडिया पर चलो या अपने अपने घर जाओ। मैं तो भूल चले बाबुल का देश यहाँ का घर प्यारा लगे मैं तो भूल चले बाबुल का देश। तुम मैं समुकट बिहारी कौन है? ये तो शराब का कुछ नहीं पिया है। तुम जैसा चूहों को बिल से निकालने के लिए और भी कई तरीके हैं मेरे पास। तुम में से मुकुट बिहारी कौन है? ओ, तो का मुकुट बिहारी चाहिए ना। ए रशीद, जरा बता दे का मुकुट बिहारी का पता। एक बार फिर से ट्राई मार ले। अभी नचाता हूं मैं तेरे को डांडिया। अब बताओ हमका ढूंढने का मतलब? मुकुट बिहारी चुपचाप यहां से अपना राशन कार्ड ट्रांसफर करवा ले और सुबह के बाद यहां नजर मत आना। अरे बचवा, हमार कार्ड में 12 कतल दाखिल है का 12 और 13वां हो तोहार और फिर तोहार 13वीं। अरे मुन्ना, कोई बड़ा सा हथियार तो लेके आते। अब मेरी बात ध्यान से सुन ले मुकुट बिहारी, वरना जिंदगी भर किसी की बात सुनने के लायक नहीं रहेगा। इनसे कह दे हथियार डाल दे। मेरे इलाके में जितना माल लूटा है डाल। आगे बढ़, ज्यादा नाटक नहीं। अरे हो रहे मुन्ना भैया, मुन्ना भैया, रुक जाओ। ये लगता है इन लोगों की गाड़ी आ गई। ए पकिया, चल चढ़ जाओ ऊपर। अभी जाता हूँ मुन्ना भैया। अब डाल दो इनको भाईसन के डब्बे में और भेजो इनके गांव कहीं से। अरे संभल के, अरे संभल के, अरे मेहमान लोग हैं, चलो चलो डाल दो। अरे अरे तेरी ए, 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 ए। थैली में जितने पर्स पॉकेट हैं, उनको लौटा दे। मुन्ना भाई। क्या है बोल? कहाँ रहे हैं? मुन्ना भैया, जल्दी घर आ जाओ। बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। 60 आदमी, 16 औरतें और 40 बच्चे घायल हो गए। 3 लोग मारे गए, 42 दुकानें लूटी गई और आज तक हमारी पुलिस फोर्स को ये पता नहीं चला कि वो लोग कौन थे। सिर्फ इतना पता चला है कि लोटिया नाम के खतरनाक मुजरिम की गैंग थी।
जिसकी तलाश पुलिस को पहले से है, मगर वो मोहिनी को कहां लेके गए उसका पता तक नहीं चल सका। वहां से जो मोटरसाइकिलें बरामद हुई थी उनके मालिकों का कुछ पता चला? सर वो सब चोरी की हुई मोटरसाइकिलें निकली। सर वायरलेस पर एक मैसेज मिला है कि एक तड़ीपार अपने इलाके में दाखिल हुआ है। कौन है वो? मुन्ना नाम है उसका। आज से एक साल पहले इस इलाके से उसे तड़ीपारी का हुक्म हुआ था। ये रही उसकी फाइल। ये तो महेश देशमुख है, मुन्ना कैसे हो गया? सर वो इस इलाके में मुन्ना के नाम से ही जाना जाता है। इससे पहले खून के जुर्म में एक साल की सजा काट चुका है। फाइल कहती है कि ये एक खतरनाक मुजरिम है, मगर मेरी याददाश्त कहती है ये मासूम जज्बाती मगर जोशीला नौजवान था जो अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार था। आप इसे जानते हैं सर? जानता था। दो साल पहले मेरी पोस्टिंग नासिक में थी। मेरे थाने के सामने की सुनसान गली में एक बैंक थी जिसमें उसके माँ बाप दोनों नौकरी करते थे। मुझे वो दिन अभी तक याद है जिस दिन मैं महेश से पहली बार मिला था। बाबूजी, 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 मैंने आपसे कहा था ना कि मैं बेस्ट नेवी कैडेट का कप जीत कर दिखाऊंगा। ये देखिए। बेस्ट नेवी कैडेट कप? हाँ माँ, बेस्ट नेवी कैडेट। I've done it, Dad, I've done it. My dear son, I'm proud of you. I'm proud. जीते रहो बेटा। बच्चा साहब, हमारा बेटा महेश। कंग्रेचुलेशन साहब, अब तो मिठाई खिलानी पड़ेगी। आपकी तमन्ना आपके बेटे ने पूरी कर दी है। हाँ मेरी तमन्ना तो पूरी हुई, अब महेश का ख्वाब भी तो पूरा होने दीजिए। क्या बनना चाहते हो महेश? मैं नवदल में शामिल होना चाहता हूँ सर, एडमिरल बनना चाहता हूँ। अच्छा, that's very good. बचपन से ही न जाने इसके दिमाग में क्या घुस गया है, देश के लिए मर मिटने की बातें करता रहता है। जरूर पिछले जन्म में देशभक्त रहा होगा जो देश की आजादी के लिए शहीद हो गया। महेश बहुत खुशी हुई तुमसे मिलके। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। बाय बाय देशभक्त। बाय। तुझे वादा किया था ना साइकिल खरीद के दूंगा, ये रहे तुम्हारे। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा मां मैं चलता हूँ, शाम को घर पर मिलेंगे। अच्छा तिजोरी की चाबी उठे कमीने। मैं चाबियां नहीं दूंगा। क्यों अपनी मौत को बुला रहा है? निकाल। देखो मैं 20 साल से इस बैंक का नमक खा रहा हूं और उनके पैसों की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। फर्ज के लिए अगर मुझे जान भी देनी पड़ी तो मुझे इसकी चिंता नहीं। ये औरत बैंक के अंदर जा रही है सर, और साथ में बच्चा भी है, उनकी जान को खतरा हो सकता है सर। तुम ऐसा करो यहां से चले जाओ, रास्ते में अगर पुलिस मिले तो मेरे पास भेज देना। सर मेरे माँ और बाबूजी अंदर फंसे हुए हैं और मैं यहां से चले जाऊं? देखो उन लोगों के पास बंदूकें हैं, कभी भी गोली चल सकती है और तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, समझे? क्या बुराइयों और गुनाहों के खिलाफ लड़ने और जान देने का अधिकार सिर्फ आप वर्दी वालों को है, हम लोगों को नहीं? क्यों सर, वैसे मैंने भी अपनी जान देश के नाम उसी दिन लिख दी थी सर जिस दिन मैंने ये वर्दी पहनी थी। सर उस औरत और बच्चे को बैंक के अंदर जाने से रोकना बहुत जरूरी है सर, आपकी वर्दी देखकर डाकू गोली चला सकते हैं। मैं जाकर औरत को वापस ले आता हूँ। प्लीज गिव मी ऑर्डर सर, आप मुझे ऑर्डर दीजिए प्लीज सर। ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, प्लीज सर गिव मी दी ऑर्डर्स, टाइम इज रनिंग आउट सर, प्लीज सर गिव मी ऑर्डर्स प्लीज सर। ओके गिव मी गो। आइए मुझे दीजिए। भगवान तुम्हारा भला करे, नहीं तो ये आजकल की छोकरे न माँ को माँ कहते हैं न बाप को बाप। सुनिए सब काम अकेले करने पड़ते हैं। बात you
सर ठीक है सर, क्या कर दिया उन्होंने मेरी माँ को? महेश महेश बाबूजी, महेश बाबूजी, इंस्पेक्टर अस्पताल ले चलते हैं। नहीं बेटे, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो मेरा ख्वाब पूरा करो। तुम्हारा ख्वाब मेरा ख्वाब बन चुका है। बाबूजी, बाबूजी आपके बगैर मैं अकेला पड़ जाऊंगा। बाबूजी नहीं बेटे, सारा देश तुम्हारे साथ है। ज्योति का ख्याल रखना। महेश की जिंदगी का सबसे खुशी का पल सिर्फ चंद मिनटों में जिंदगी के सबसे दुख के पल में बदल गया था। जिंदगी को किसी के साथ इससे बड़ा मजाक करते हुए मैंने आज तक नहीं देखा। कुछ दिनों में महेश अपनी बहन को लेकर बंबई चला गया, मगर उस दिन के बाद से मुझे महसूस होने लगा कि मेरी दर्द सहने की ताकत बढ़ गई है। खैर, शहर का कोना कोना छान मारो और बाहर जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दो। इस आदमी का पकड़ा जाना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं कि ये महेश से मुन्ना कैसे बन गया। लोटिया ने तंग किया? नहीं, तुम्हें एक साल बाद देख रही हूं ना। ज्योति, अभी एक साल पूरा होने में चार दिन बाकी हैं। अभी तक तड़ी पार का सिक्का मेरे माथे पर लगा हुआ है और पुलिस मेरे पीछे कुत्ते के माफिक पड़ी हुई है। और तुम तो जानती हो, जब तक मैं सजा काट नहीं लेता मैं बंबई वापस आ नहीं सकता। बताओ किस लिए बुलाया मुझे? मोहिनी के लिए। क्या हुआ मोहिनी को? लोटिया पठान के लोग इसे उठाकर ले गए। तो मैं क्या करूं? मोहिनी को लोटिया के यहाँ से छुड़ाकर लाने के लिए तुम्हारे अलावा और किसे कह सकती हूँ? इस शहर में लाखों लड़कियां हैं, सबका ठेका नहीं ले रखा मैंने। पर उन लाखों में मोहिनी एक ही है जिसने मेरी इज्जत बचाने के लिए तुम्हारी मदद की थी। देखो ज्योति, मैं ठहरा तड़ीपार आदमी और बेवजह किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। ये काम या तो पुलिस का है या उसके बाप का, मेरा नहीं। तो वो उसका बाप होने के नाते उसकी शादी सक्सेना से भी करवा सकता है। सक्सेना, वो थिएटर वाला? हाँ भाई, वो मोहिनी से शादी करना चाहता है। तो करने दो,
ना मोहिनी मेरी कुछ लगती है ना तेरी। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने उसे हमेशा अपनी भाभी की तरह देखा है। वो तेरी भाभी नहीं बन सकती। जब तक तुम किसी और के साथ शादी नहीं कर लेते या उसकी शादी किसी और के साथ नहीं हो जाती, ये हक मैंने मोहिनी को दे रखा है। और रही बात तुम्हारी, एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर कह दो कि मोहिनी तुम्हारी कुछ नहीं लगती, फिर तुम यहां से जा सकते हो। पगली चल जा, मेरे लिए कप चाय ले आ। अभी लाती हूं। तू मुझे और गुस्सा मत दिला सक्सेना, सब सारा तेरा किया कराया है, सारे फसाद की जड़ तो तू है। अब इस तरह एक दूसरे पर इल्जाम लगाने से मोहिनी वापस तो नहीं आ जाएगी, इसलिए बेहतर यह है श्यामलाल जी कि गुस्सा थूक के मोहिनी की रिहाई के बारे में सोचा जाए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल। रास्ता तुम्हारे दरवाजे तक आया है श्यामलाल। लोटिया पठान की गुनाहों से भरी दुनिया के जिस अंधेरे कोने में तुम्हारी बेटी कैद है, वहां कानून के लंबे हाथ नहीं पहुंच सकते, सिर्फ मेरे हाथ पहुंच सकते हैं। तू कल का लौंडा लोटिया पठान से क्या टकराएगा, साले काट के फेंक देंगे गटर में। श्यामलाल तुम अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो चुके हो कि तुम्हें अपने फायदे की बात भी दिखाई नहीं देती। मेरा फायदा? लो सुन लो, ये करेंगे मेरा फायदा। देखो श्यामलाल, अगर मैं तुम्हारी बेटी को वापस नहीं ला सका तो समझो कि तुम्हारा एक कांटा तो हमेशा के लिए निकल जाएगा, क्योंकि तुम समझते हो कि लोटिया और उसके आदमी मुझे जिंदा वापस नहीं लौटने देंगे। हाँ, ये तो समझता हूँ भैया। और अगर मैं मोहिनी को वापस ले आता हूँ तो तुम्हें तुम्हारी बेटी मिल जाएगी। वाह सक्सेना वाह, ये तो पड़ोसी के बेटे वाली बात हुई कि पेड़ पे चढ़ा नीचे उतरा तो आम मिलेंगे, और अगर गिर के मर गया तो साथ में खाना तो मिलेगा ही। भाई वाह वेरी गुड। लेकिन अपनी जान खतरे में डालकर तुम्हें क्या मिलेगा? 50,000। 50,000? तू मेरे साथ मेरी बेटी का सौदा करेगा? कमीने चल भाग यहां से, भाग। सोच लो। अरे ठहरो, पैसे मैं दे दूंगा। श्यामलाल जी, मोहिनी वापस आ गई तो सब कुछ वापस आ जाएगा। अरे क्या खाक वापस आएगा सक्सेना, उसने नाचने से इनकार कर दिया तो? अरे इसका जिम्मा मैं उठाने के लिए तैयार हूँ ना। नहीं सिर्फ मैं आपका पुराना कर्जा वापस कर दूंगा, बल्कि जिंदगी भर के लिए आपके खाने पीने का इंतजाम भी कर दूंगा। देखो बबुआ, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, ये तो मेरी मोहिनी के बदले में पैसे चाहता है, लेकिन तुम पैसों के बदले में क्या चाहते हो? मोहिनी, अगर आपका आशीर्वाद हो तो। अरे क्यों नहीं सक्सेना, कसम काशी विश्वनाथ की अच्छी कीमत मिले तो ये श्यामलाल अपना आशीर्वाद भी बेच सकता है। ठीक है मुन्ना, हमें सौदा मंजूर है। बोलो भाई क्या क्या लोगे आप? एक हंडी बिरयानी, एक डंडी कबाब, एक तलिया कलेजी और एक तवा मच्छी और बागी भीर। समझे भाई, समझे समझे। और आप क्या लोगे भाई साहब? पुलाव के साथ एक आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम। और आप भाई साहब? एक चिकन टिक्का, एक चिकन तंदूरी, एक चिकन माखन। हाँ तो भाइयों, चांदी का जन्मदिन मनाने के लिए 720 रुपए की जरूरत है। फिर करना यार इंतजाम, खाली पेट तो मेरी बालों की चांदी होने लगी है। ये यार, तो थोड़े से तोड़ के देना, सबका खाना निकल जाएगा। ले, खाने में बाल निकलता है तो सुने ला, बाल किनर से खाना निकलेगा तो पहली बार सुन रहा हूं। जल्दी करना भाई। लगता आज तुम लोगों के नसीब में दावत है, चलो। ए फड़का मारे दे रे भाई, चल। कहाँ जा रहे ले? अरे भाई हाथ धो क्या तो यार। अरे बैठना, बाजू वाले के शर्ट पे फूट गया ना। लेकिन पता चलेगा ना? तेरे को पता चला क्या? ये जो बच्चा लोग है ना, आपन का बच्चा लोग है, जो भी खाएगा खाने देना, बिल आपन चुकाएगा क्या? ए बेटू सुन। जी साहब। एक पानी का चाय जल्दी ले आ। चाय। पहले मैंने देखा है। मैंने भी देखा है।
इसलिए आधा आधा। ये बंबई है, जिसके हाथ में नोट वही उसका मालिक होता है। तो ठीक है, फिर तो ये नोट होटल वाले के गले में जाना चाहिए। सर, मांडवाली नहीं हो सकता है क्या? मांडवाली वो तो हो सकता। मेरा बिल भर दे। हाँ, वो तो भर दूंगा, भर दूंगा, भर दूंगा मैं। फिर ठीक है। अरे चलो सटको यहाँ से, वरना चांदी के बर्थडे पर सबको बर्तन मांझने पड़ेगा। चलो अरे सेठ, ये बिल अपना अंकल दे देगा। क्यों अंकल? हाँ बिल मैं दे दूंगा, जाने दो उसे। हाँ अंकल, और छोड़ना मत, पकड़ के रख। बहुत प्यार करता हूँ। कोई बात नहीं। वाह मुर्गा बहुत अच्छा है। कितना बिल हुआ? ए पांडू, सबका मिला के बिल कितना हुआ? 6 चिकन सूप ₹48, 6 वेजिटेबल पुलाव, 6 चिकन चिली, 6 बोटी मसाला, 6 चिकन स्पेशल, 12 कस्टर्ड और 1 बेहोश मारवाड़ी। अरे भाई आज का तो हो गया, मगर कल का क्या होगा भाई? अबे इस शहर में बहुत से मुर्गे कुकड़ू करते घूमते रहते, बब करके रोज के रोज एक ना एक तो मिल ही जाएगा। मुर्गी वालो अपनी मुर्गी संभालो, अरे मुर्गी वालो अपनी मुर्गी संभालो। ये तो मुन्ना की साइकिल है, मुन्ना। ये रे एडवांस, गाड़ी दो तो मैं लौटा दूं। कोई बात नहीं। दिल खुश हो गया यार। लेकिन यार तू अचानक कैसे आ गया? तेरी सजा खत्म होने में 3-4 दिन आना पड़ा। मोहिनी के लिए? हाँ। लोटे का था बताओ? कसारा घाट के पास शैतान तिगड़ी की झोपड़पट्टी में उसका अड्डा है। लेकिन तुझे कैसे पता चला? कपूर चर्सी के अड्डे पर बंबई के सारे बदमाशों का पता चल जाता है। किसी भी चर्सी को 10-15 रुपए की चरस पिला दो, पता चल जाएगा। लेकिन पूरी तैयारी के साथ जाना पड़ेगा, टाड़ा हो सकता। सिर्फ इतना बता दे कब चलना है यार? अभी, इसी वक्त। तुम सब लोगों का गुजारा कैसे चल रहा है? अरे मुर्गी वालो अपनी मुर्गी संभालो, अरे मुर्गी वालो अपनी मुर्गी संभालो। सर आप यहां? तुमने अपना रास्ता और पेशा भले ही बदल लिया हो, मैं अब भी उसी रास्ते पर चल रहा हूं और मेरा पेशा भी वही है। महेश, यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन मेरा गुनाह क्या है? अगर तुम्हें तड़ीपार किया गया है तो जरूर तुमने कोई गुनाह किया होगा। कानून ने समाज के फायदे के लिए ही तुम्हें समाज के बाहर रखने के काबिल समझा होगा। इसी समाज ने एक दिन अपने फायदे के लिए प्रभु रामचंद्र को भी 14 साल के लिए तड़ीपार कर दिया था। उन्होंने कौन सा गुनाह किया था सर? लेकिन कानून की नजरों में तुम गुनहगार हो। तुम जानते नहीं एक पुलिस वाले को चाकू दिखाने का क्या हश्र हो सकता है? मैं जानता हूं सर, 1-2 साल की सजा और क्या, मैं उसके लिए तैयार हूं। लेकिन इस वक्त मेरा यहां से जाना जरूरी है सर। चल पवन। महेश रुक जाओ, मेरा फर्ज ये कहता है कि तुम्हें गिरफ्तार करो और जरूरत पड़े तो इसके लिए गोली चला दो। तो चलाइए गोली। मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि देश के लिए मर मिटने की कसमें खाते खाते तुम उसके दुश्मन कैसे बन गए। मैं अपनी पिछली जिंदगी भूल चुका हूं। याद करना होगा, क्योंकि मेरा फर्ज सिर्फ गुनहगारों को रोकने का नहीं बल्कि गुनाह रोकने का भी है। और अगर मुझे यह पता चले कि तुम जैसे होनहार नौजवान गुनहगार कैसे बनते हैं, तो शायद आने वाले सालों में कुछ नौजवानों को गुनहगार बनने से रोक सकूं। आप गुनहगारों को रोकने की बात करते हैं सर, मुझे तो आपकी पुलिस ने गुनहगार बना दिया।
कैसे? मेरे पास ये सब बयान करने का वक्त नहीं है सर। आप मुझे सिर्फ एक दिन की मोहलत दीजिए, मैं 24 घंटे के अंदर अंदर खुद को आपके हवाले कर दूंगा और सब कुछ बता दूंगा जो आप जानना चाहते हैं। फिर आप जो सजा देना चाहें दे सकते हैं। देखो महेश, मैं तुम्हें मोहलत नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारे साथ चल सकता हूं। ठीक है। हाँ महेश, अब बताओ कि तुम तड़ीपार कैसे बन गए? नासिक से आने के बाद मैंने यहाँ कॉलेज ज्वाइन कर लिया और बोट क्लब के स्विमिंग पूल में नौकरी कर ली, जहाँ एक दिन मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम था मोहिनी। यहाँ कोई लेडी टीचर नहीं है सिखाने को? अरे क्यों मेरे पेट पर लात मार रही हो? यही लात पानी पे मारिए, तैरना आ जाएगा। कोई मर्द मुझे हाथ लगाए ना, उससे पहले मैं डूब जाना पसंद करूंगी। आपकी मर्जी, मगर मुझे लड़कियों को हाथ लगाने में कोई परहेज नहीं। कमान गर्ल्स, आइए जाप, कमान कमान। जरा इसके नखरे तो देखो महारानी के। और नहीं तो क्या? कोई मर्द मुझे हाथ लगाए, उससे पहले मैं डूब जाना पसंद करूंगी उसके दिल के स्विमिंग पूल में। ठहर जाओ मोटी, अभी बताती हूँ मैं तुझे इसके स्विमिंग पूल में। रुक जाओ। सीखने वाले को ना सही, डूबने वाले को तो इस बात का परहेज नहीं होना चाहिए कि बचाने वाले के हाथ मर्द के हैं या औरत के। बचने का बहुत बहुत शुक्रिया। कम ऑन गर्ल्स, कम ऑन, कम ऑन, चलो चलो चलो। तेरी यार, अभी तो कॉलेज का वक्त नहीं हुआ। अभी तो बहुत टाइम है यार। अरे यार चाय भी पिला। अरे जरूर, क्या हुआ? अरे मेरी किसी ने पॉकेट मार दी भाई। हा? तेरे पास किधर से पॉकेट आएगी? अरे सुबह एक ही मारी थी यार। नहीं मिला। गुलदस्ता है, है? उसको चने के झाड़ पे चढ़ाते हैं, चाय के साथ नाश्ते का बंदोबस्त हो जाएगा। झूमती चली हवा, याद आ गया कोई, झूमती चली हवा। क्या बात, और क्या नहीं? मन भर गया रे, कुछ भर गया थी। नहीं कुछ तो लोगे, नहीं थोड़ा कुछ छोटी मोटी चाय 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 और खाने को खाने को खाने। अरे नहीं भैया, ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा अच्छा गुलदस्ता जी। बाबू जी, कभी कभी ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि तेरी चाय ज्यादा मीठी है या तेरी आवाज, कहीं तू चाय में कुल्ला तो नहीं कर रहा? अरे तुमने पुकारा और हम चले आए, मुझे तो लगता जान हथेली पर ले आए। जी जी लक्ष्मण जी की नजर नहीं कान रे, वही कान तेरे पर पड़े, तू तो चला सीधा HMV स्टूडियो। देखना किसी दिन इसी चाय की दुकान में बैठकर रेडियो पर गुलदस्ते का गाना सुनेंगे। यार तेरा दोस्त म्यूजिक डायरेक्टर है ना? कौन?
अच्छा अच्छा वो जो टीवी प्रोग्राम वगैरह अरेंज करता है, वही जो नए नए लोगों को चांस देता है। यार उसको मिलवा दे इससे। अच्छा, मिलवा रहा। अरे यार तुम्हारे पैसे कितने? अब आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, अब आपसे क्या पैसे लेना? तो फिर क्या लोगे? नहीं नहीं, आप तो मुझे एक बार उस म्यूजिक डायरेक्टर से मिलवा दीजिए प्लीज। अबे ओ गुलदस्ते हो गया, आया से चाय की पत्ती और शक्कर रख। और सुन, इन लोगों के पैसे अच्छी तरह ध्यान में रखना, तू हमेशा भूल कर जाता है। क्या है सेठ जी के सरदान लोग हैं, और सच्ची कला की सच्ची कदर करने वाले तो इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। अबे चुप, जा उनसे पैसे ले। क्या है सेठ जी के, आप तो मेरी तनख्वाह में से पैसे काटते। क्या बोला? क्या चकोरी लोग, क्या चल रहा है? पटाने का पीरियड चल रहा है। अरे तुम लोग साले क्या लड़कियां पटाओगे, सिर्फ हवा में तीर मारते रहते हो, लाल वाली मेरी, पीली वाली तेरी। अरे गट से तो जाओ, बात करके दिखाओ। ए मुन्ना उस्ताद, तुम ही पटा के दिखाओ एक दो। मुन्ना बम्बई की लड़कियां बड़ी खट होती है। अरे नासिक हो या बम्बई, लड़कियां तो लड़कियां होती है, पटाने के लिए शहर के लाइसेंस की नहीं भेजे की जरूरत है, भेजे की। अरे यही तो मार खा रहा है मुन्ना भाई, मोहब्बत में भेजे की नहीं, दिल की जरूरत होती है दिल की। वो आनंद बख्शी का गाना याद है, अरे प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है दिल दिया नहीं। क्या है आप मेरी जान लीजिए बस। हाँ बस, साले तुम लोग इतनी फिल्में देखते हो फिर भी नहीं समझते जिस तरह फिल्मों में सिचुएशन पैदा करके हंसाया और रुलाया जा सकता है, उसी तरह जिंदगी में भी मोहब्बत कराई जा सकती है। ओ, यानी ड्रामा करके किसी भी लड़की को अपने साथ प्यार करने पर मजबूर किया जा सकता है। बेशक। ये भाई, ना ये नासिक है ना नौटंकी, सैंडिले पड़ेंगी सैंडिले। इससे फैसला नहीं होगा। अपने साइकोलॉजी के फार्मूले का इस्तेमाल करके तो बताओ, तब तो जाने। अरे मुफ्त में नहीं, शर्त लगा था तो बोल। लगी की 100 की, 100 की। ए पवन देख, 100 की बैठ लगी यार, चल लगी लगी। तो पता है वो क्या कहने लगी? कहने लगी कि हाय गर्ल्स, आई एम मिसेस सिंह। हाय। हाँ, वो पिछले साल जो कॉलेज क्वीन थी उसका नाम क्या है? निकिता। हाँ निकिता, निकिता वो कौन से क्लास में पढ़ती है? मेरी क्लास में। और आप कौन से क्लास में पढ़ती हैं? निकिता के। मेरा मतलब है आपकी बहन ज्योति है ना, उसकी क्लास में। मतलब पहले ज्योति को पटाना पड़ेगा। एक काम कीजिए, अगर ज्योति आप लोगों को मिले तो कहना कि मुझे लंच टाइम कैंटीन में मिले, बहुत जरूरी काम है। ओके बाय। बाय, मैं चलती हूँ। कितनी देर कर दी भैया? तुझे कुछ पैसे चाहिए थे ना, रख ले। पैसे? मैंने कब मांगे थे? नहीं मांगे थे। हाय हाय, तो फिर शायद पिक्चर जाने की बात हुई होगी, चल चलते हैं। ये आज अचानक इतना घी लगा कर बातें कर रहे हो, चक्कर क्या है? वो ज्योति, वो जो तेरे क्लास में लड़की है ना, जिसकी नीली नीली आंखें हैं, भूरे भूरे बाल हैं, अरे वही जो पिछले साल कॉलेज में क्वीन हुई थी, निकिता। हाँ हाँ, उससे पहचान करवा देना प्लीज। पूछ देना बाबा, मैं तो तुम्हारी जान पहचान निकिता से करवा दूंगी, पर तुम्हें भी मेरा एक काम करना पड़ेगा। कैसी बात करती है तू, भाई बहन के और बहन भाई के काम नहीं आएगी तो और कौन आएगा, बता क्या काम है? ये है मेरी फ्रेंड मोहिनी, इसे तुमसे कुछ काम था, बोलना। फरमाइए जी। मुझे आपके साइकोलॉजी के नोट्स चाहिए थे, और अगर आप खुद पढ़ा देते तो। वो क्या है कि सिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दरअसल टाइम का प्रॉब्लम है। ये तो नाना किए जा रहा है, बहुत भौंकर है। अरे भैया बोल रही निकिता, निकिता। हाय हाय हाय। हेलो हेलो। हाय। व्हाट शी इज लुकिंग यार। अरे आई एम रियली सॉरी। अरे सॉरी क्यों, आई रियली एंजॉयड इट। वैसे आपको कहीं चोट वोट तो नहीं लगी? जी नहीं। आप जरा वहां बैठेंगी? जी वहां बैठिए, बैठिए ना। थैंक यू। आर यू कंफर्टेबल? हाँ।
निकिता, ये है मेरे भैया महेश। हेलो। हेलो, आई एम निकिता शर्मा। आई एम महेश देशमुख। आप ही थे जो साइकोलॉजी में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए थे? हाँ। मैं सोच रही थी अगर आप मुझे सिखा दे तो। क्यों नहीं, क्यों नहीं? आपने तो मेरी लाइफ बना दी। जी, मैं समझी नहीं। वो बात ये है निकिता जी कि मुझे साइकोलॉजी पढ़ाने का बहुत शौक है, और अगर आप जैसी स्टूडेंट मुझे मिल जाए तो आप समझ गई ना? लेकिन आपके पास इतना वक्त होगा? वक्त वक्त होता नहीं है, निकालना पड़ता है, निकालना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच। निकिता जी, पढ़ाई आपसे क्यों ना शुरू कर दे, लेकिन इस भीड़ भाड़ से दूर कहीं एकांत में, जहां मैं, आप और साइकोलॉजी के सिवा और कोई ना हो, ऐसी जगह चलते हैं। हो गई छुट्टी मोहिनी जी, अब बद्रीनाथ जाके भजन करो। चले। हाँ। आपकी किताब। अरे भैया, हम ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। बाय। ये तो गया। चल। लगता है मुन्ना का इंतजार कर रही है, कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम है। अभी मजा चकाती हूँ। निकिता। हाय। चले। चलो। तुम्हारी गाड़ी का टायर तो पंक्चर हो गया। ओह गॉड, अब क्या होगा? अरे नो प्रॉब्लम निकिता, अपनी इंडियन इंपाला ना, इस पे चलते हैं। बैठो। बैठो क्या? हाँ बैठो ना। बैठो। चले। ये ससुरा तो यहाँ देखता ही नहीं, लगता है निकिता के बारे में सोच रहा है। अब क्या करें? सोच क्या रही हो मोहिनी, कूद जा। अगर वो नहीं आया तो क्या हुआ? प्यार में जान देने वाले इतिहास बनाते हैं। कूद जाओ मोहिनी, कूद जाओ, कूद जाओ मोहिनी, कूद जाओ। आप यहाँ तैरने की प्रैक्टिस करने आती हैं, डूबने की? एक आध बार और डूबेंगी ना तो डूबने की प्रैक्टिस हो जाएगी। मुन्ना, हाय। हाय। बचाओ, बचाओ, बचाओ। सीधी खड़ी रहो तुम। सिर्फ 2 फीट पानी में हो तुम, 2 फीट। कब आई तुम? अभी अभी आई। मैं यहाँ स्विमिंग सिखाता हूँ। अच्छा, हाँ। इतनों को डुबा चुके हो? यही कोई 30-40 को। तुम यहाँ कैसे आई? बहुत दिन से स्विमिंग नहीं की थी, पता चला तुम यहाँ स्विमिंग सिखाते हो, सोचा फिर से शुरू कर दूँ। क्यों नहीं, क्यों नहीं? तुम मुझे डाइविंग सिखा सकते हो? अरे डाइविंग, डाइविंग में तो मुझे 30-40 मेडल मिल चुके हैं। हाँ? चलो कम ऑन। चलो। पहले हाथ ऊपर करो, फिर ऐसे करो एंड डाइव। हाय ज्योति। हाय। हाय मोहिनी। आ गई कबाब में हड्डी। हाय निकिता। हाय। तुम लोगों का लंच हो गया?
हाँ बस भैया का इंतजार हो रहा है। मैं भी बैठूं? क्यों नहीं बैठो ना। तुम नहीं बैठोगी तो खाना हमारे गले से कैसे उतरेगा? हाँ वो तो है, अपना अपना असर होता है। ए असर वाली, असर दिखाने के लिए क्या यही एक टेबल रह गया सारे कैंटीन में? अरे असर ही दिखाना है तो थोड़ा थोड़ा मौका सबको दे। तुम लोगों को अगर एतराज हो तो मैंने सोचा मुन्ना यहाँ। मुन्ना देखा कितना दर्द है मुन्ना के लिए, बेचारा जब भूखा पैसा आएगा ना तो सामने बिठा कर खाना खिला देना, दोनों की तसल्ली हो जाएगी। तुम हद से बाहर जा रही हो मोनी, बड़ी हद वाली बनती है। अरे चुड़ैल भी नौ घर छोड़कर वार करती है और तू बनने को तो बनती है सहेली, ऊपर से मीठी मीठी बातें, हाय ज्योति हाय मोहिनी, और अंदर चुपके चुपके गुड़ से मक्खी की तरह चिपक गई। मेरी तहजीब में इतनी छिछली और ओछी बातों का जवाब नहीं दिया जाता। अरे जवाब कौन मांगता है तुमसे, बहुत दिनों से स्विमिंग नहीं की, सोचा फिर शुरू करूं, साइकोलॉजी नहीं आती सिखा दो ना। अरे जितनी मर्जी उतनी साइकोलॉजी सीख, हो सके तो सातों जन्म की साइकोलॉजी अभी सीख ले ताकि पूरी तसल्ली हो जाए। अगर मुझे मालूम होता कि इस कॉलेज में तुम जैसी बेहुदा बदतमीज और पागल लड़कियां पढ़ती हैं तो मैं यहाँ कभी पढ़ने ना आती। मुन्ना मैं जा रही हूँ कॉलेज छोड़कर। नहीं ये शहर छोड़कर। शहर छोड़कर? एक पागल लड़की की बकवास पर तुम शहर छोड़ दोगी? इतना जलील होने के बाद मैं किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रही मुन्ना। निकिता मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि ये सब, इसे इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। ये सब जितना तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा सीरियस है। फिर कब मिलोगी? कभी नहीं। इत्तेफाक से भी नहीं? नहीं इत्तेफाक से भी नहीं। मोहिनी ने मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए प्यार की भावना जगा दी है उसे इस बार तो रोक लिया, लेकिन शायद अगली बार नहीं रोक पाऊंगी। क्या निकिता चली गई? मैं तो उसे माफी मांगना चाहती थी, कल न जाने मैंने उसे क्या क्या कह दिया। ये मुझसे क्या हो गया मुन्ना, मैं खुद नहीं जानती थी मैं क्या कह रही हूँ। इतना ही समझती थी कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मुझसे? हाँ मुन्ना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा मोहिनी कि कोई लड़की मुझसे इतना प्यार कर सकती है, और वो भी तुम्हारी जैसी लड़की जिसके लिए कॉलेज का कोई भी लड़का कत्ल तक कर सकता है। तुम मेरे लिए सिर्फ मुस्कुरा दो, वही काफी है। मोहिनी मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि प्यार की जिस अनजानी खुशबू की तलाश में मैं भटक रहा हूं वो मेरे इतने करीब होगी। तो तुम मुन्ना तुम मुझे अपनाओगे ना? हाँ मोहिनी। अरे रांझा रांझा कहते कहते हीर दीवानी होई, तेरे प्यार में ऐसी उलझी ना जागी ना सोई। नाम के सिवा कुछ याद क्यों बबन, पता है कि नहीं? ऐसा नहीं ऐसा नहीं, पहले अपने कान पकड़ो और मेरे साथ दोहराओ। क्या दोहराओ? नासिक हो या बंबई, नासिक हो या बंबई, लड़कियां लड़कियां होती है पटाने का तरीका आना चाहिए। लड़कियां लड़कियां होती है पटाने का तरीका आना चाहिए। प्यार किया नहीं जाता करवाया जाता है। प्यार किया नहीं जाता करवाया जाता है। बोलो साइकोलॉजी मैया की जय। कैची भागता किधर, 100 रुपए निकल, बैठ के पैसे निकाल। वो लेना यार तो देना यार, मिल गया फॉर्मूला बता। गोल्डन गेट में पार्टी देते हो? अरे ये तो हौरट है यार। कबूल। हेलो मोहिनी जी, मैं आपसे ये कहना चाहता था कि आपको मुन्ना बेवकूफ बना रहा है। क्या मुन्ना? महज 100 रुपए की एक शर्ट जीतने के लिए आपका इस्तेमाल किया जा रहा है, आपके जज्बातों से खेला जा रहा है। ये क्या मजाक है? अगर अपने शुभचिंतक पर भरोसा नहीं होना तो आज शाम को गोल्डन गेट होटल में जाकर अपनी आंखों से देख लीजिएगा। लेकिन आप आ,
तो हाँ। इस फॉर्मूले का नंबर है 46 हाँ। और इसका नाम है कहीं पे निगाह। इस फॉर्मूला से अगर किसी लड़की को पटाना हो तो उसी के सामने उसकी किसी सहेली पर इतनी लाइन मारो कि उसे जलन हो जाए। फिर उस जलन का लोहा जब पूरी तरह तप जाए तब अरे मुन्ना अब ये सब छोड़ और आगे बता स्विमिंग पूल में क्या हुआ। स्विमिंग पूल में अरे मेरे को तो उसने खुल्लम खुल्ला बोल दिया। क्या बोल दिया मुन्ना? मैं तुमसे सचमुच बहुत प्यार करती हूँ। अरे गुरु फिर मैंने भी एक डायलॉग चिटका ही दिया। मोहिनी मुझे यकीन नहीं हो रहा। मोहिनी ये तो येड़ा बनके पेड़ा खाने वाली बात है मुन्ना भाई। ज्यादा ही बोल दिया। फिर बाद में मैंने उसे चने के झाड़ पर ही चढ़ा दिया। चने के झाड़? मैंने कहा मोहिनी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई लड़की मुझसे इतना प्यार कर सकती है और वो भी तेरे जैसी लड़की जिसके लिए कॉलेज का कोई भी लड़का चढ़ाया उस लांगिया को तूने। मुन्ना तुम मेरे लिए एक बार सिर्फ मुस्कुरा दो यही काफी है। फिर मैंने सोचा क्यों उस लड़की का फुल एंड फाइनल कर ही डाल। तू तो एकदम करू पांडे है यार। मैंने कहा यार मोहिनी मैं आज तक अंधा था। मोहिनी मुझे पता ही नहीं था कि प्यार की जिस अनजानी खुशबू की तलाश में अब भटक रहा हूँ वो मेरे इतने करीब। मुन्ना मैं मोहिनी नहीं मैं बबलू बबा। वो मेरे इतने करीब प्यार की खुशबू की तलाश में नहीं मुन्ना। और ये लड़की जो तुम्हारे सामने खड़ी है महेश देशमुख ये लड़की जो तुमसे प्यार करती है उसे एक जानवर की तरह इस्तेमाल किया। मैं 100 रुपए की शर्त जीतने के लिए तुमने उसकी भावनाओं को काट कूट कर अपना फॉर्मूला साबित करने के लिए इस्तेमाल किया। 3 पैसे का तमाशा बना दिया मेरे प्यार को। तुम भी उन्हीं में से एक निकले जिनसे मैं नफरत करती हूँ। लेकिन जिस दिन तुम जानवर और इंसान के बीच का फर्क जाने लगोगे ना उस दिन दुनिया में तुम सबसे ज्यादा अपने आप से नफरत करने लगोगे। मेरी बात तो सुनो। कब से तड़प रहा हूं तुमसे मिलने के लिए तुमसे बात करने के लिए। वो जब से गोल्डन गेट का लफड़ा हुआ ना तब से आज तक रोज कॉलेज के सामने तुम्हारा इंतजार करता रहा फिर शाम को तुम्हारे घर के सामने रात रात तक इंतजार करता रहा लेकिन शायद तुम अपने कमरे के बाहर ही नहीं निकली। डोंट टॉक टू मी। क्या डोंट टॉक टू मी? वहां ज्योति भी मुझसे बात नहीं करती और वो मेरे साले दोस्त वो तो डर के मारे ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सिंह। मोहिनी मोहिनी मैं तुम्हें किससे और कैसे कहलाऊं? उस दिन के बाद मुझ पर क्या गुजर रही है? अरे हटो ना यार मैं उस दिन के बाद अपने आप से नफरत करने लगा हूं मगर तुमसे सचमुच बहुत प्यार करने लगा हूं। मोहिनी 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 मैं जानता हूं तुम्हें बुरा लगा होगा बहुत बुरा लगा होगा। मोहिनी मुझे माफ कर दो। मोहिनी प्लीज मोहिनी छोड़ दो मुझे। लेट मी गो। मोहिनी अब मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं? जान दे दूं सच्ची कसम से मैं इस बिल्डिंग से कूद कर जान दे सकता हूँ। तुम बोल कर तो देखो। अरे अगर तुम नहीं बोलोगी तब भी मैं इस बिल्डिंग से कूद कर जान दे दूंगा। देखो कितना खतरा है। अरे अगर मैं मर बार गया तो खाली वो लफड़ा फड़ा हो जाएगा तुम्हें सॉरी कहने का मौका नहीं मिलेगा। तुम अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकोगी। अगर जान देने का इतना ही शौक है ना तो कहीं से भी कूदो 6 माले की बिल्डिंग से या कुतुब मीनार से। तुम्हारे शौक से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये शौक नहीं प्यार है प्यार। मोहिनी लुक एट मी ये मजाक नहीं है। अब मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कैसे? अपना यकीन तुम अपने पास ही रखो।
मुझे देने दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। अब बोलोगी तुम कि अब भी तुम मुझसे उतना ही प्यार करती जितना पहले करती थी, वरना मैं यहां से कूद जाऊंगा। तुम बेवजह अपना और मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो मुन्ना। मोहिनी, मैं तीन तक गिनता हूं, अगर तुमने फिर भी हानि की तो मैं यहां से कूद कर अपनी जान दे दूंगा। तुम वहां खड़े होकर तीन तक तो क्या, सौ तक गिनते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
कसम है, सुनो तुम्हें मेरी कसम है, कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे तुम्हारा, मर जाओ भी तो जुदा हम ना होंगे, कसम है। मोहिनी, अब हमें ये रोज रोज की मुलाकातें कम कर देनी चाहिए। क्यों? मैंने तो सुना है शादी के 7 साल बाद पत्नी बोर लगने लगती है। तुम तो अभी से उग गए। अरे परीक्षा नजदीक आ रही है और अगर इस बार मुझे फर्स्ट क्लास मिल गया ना तो नेवी में मुझे आसानी से कमीशन मिल जाएगा। तुम नेवी के अफसर बनना चाहते हो? हाँ, मेरे पिताजी का ये ख्वाब था। मोहिनी, मेरे लिए नौकरी सिर्फ रोजी रोटी नहीं है, अपने देश से जुड़ने का, उसकी जद्दोजहद में शामिल होने का एक बहाना है। और अगर कहीं तुम ट्रैफिक हवलदार बन गए तो फिर मैं वक्त की रफ्तार को भी रोक दूंगा। ठहर जाओ भाई, मोहिनी जी की सवारी जा रही है। चले चल। शर्म नहीं आती गलियों के आवारा कुत्तों के साथ इतनी रात तक घूमते हुए? पिताजी, आपको जो गाली देनी है मुझे दीजिए। अनजान लोगों के बारे में से बेहुदा बातें करना शरीफों की निशानी नहीं है। तुम जैसी नादान बच्चियों को बहकाना शरीफों की निशानी है? छी, शर्म आनी चाहिए आपको अपनी बेटी के साथ ऐसी वाहियात बातें करते हुए। एक बाप के होते हुए भी अनाथ महसूस करती थी मैं अपने आप को, लेकिन मुन्ना के छूने से मुझे चैन मिला। उसके साए में मुझे लगता है मैं महफूज हूँ। जिसके साए में तुम गुम होना चाहती हो ना, जानती हो उसकी हैसियत क्या है? उसका बाप एक मामूली सा क्लर्क था, रहने के लिए एक टूटा फूटा पुराना मकान है, खर्चा चलाने के लिए स्विमिंग पूल पर 500 रुपए की नौकरी करता है, सिर्फ 500 रुपए की, और उसके संगी साथी साले सारे के सारे बेरोजगार और मवाली। तुम उसका बाप एक मामूली क्लर्क था मगर अपनी कमाई से अपने बीवी बच्चों को खिलाता था, बीवी बच्चों की कमाई नहीं खाता था। उसके पास एक किराए का टूटा फूटा मकान है मगर ऐसी हवेलियों से बेहतर है जो गिरवी रखी हुई हैं। खर्चा चलाने के लिए मेरा 500 रुपए की नौकरी करता है मगर उन लोगों से बेहतर है जिनका रो रो कर्जे में डूबा हुआ है। उसके संगे साथी बेरोजगार मवाली है मगर शराबी और जुआरी नहीं। ताने देती है। अरे अगर मैं जुआ खेलता हूँ या शराब पीता हूँ तो तेरे बाप का क्या जाता है? हाँ हाँ, मेरे बाप का कुछ नहीं जाता, मेरी माँ का जाता है। बकवास बंद कर। पहले ये बता कि डांस क्लास में क्यों नहीं गई थी? मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी? मुझे सब अच्छा नहीं लगता,
मुझे भी बहुत पढ़ना है। पढ़ाई गई फाड़ में। छह महीने के अंदर तुझे स्टेज पे शो देने के लिए तैयार होना है, समझी? मुझे शो नहीं करना। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। आइंदा उस लौंडे से मिलने की कोशिश की तो याद रखना, तेरा भी वही हाल करूंगा जो तेरी मां का किया था। आओ श्यामलाल। तुम लोग ऑफिस में जाकर बैठो, मैं आता हूं। भाई एक बात मेरी समझ में नहीं आती लोटिया, ना तू शराब पीता है, ना सिगरेट पीता है, ना तू कोठे पे जाता है, ना तेरे पास बंगला है, ना गाड़ियां हैं, और ना ही सारी कोई ऐशो आराम की चीज, पर पैसा इतना है कि लगता है बरस रहा है। ये तुझे पैसों की इतनी क्या जरूरत है? पैसा लोटिया की जरूरत नहीं, लोटिया का हथियार है श्यामलाल। बोल तेरी क्या जरूरत है? मेरी बोतल खाली है, कुछ पैसे चाहिए। तूने अभी पिछला चुकाया नहीं है भाई। अरे सब चुका दूंगा लोटिया, बस एक बार मेरी बेटी मोहिनी स्टेज पे शो करना शुरू कर दे तो तेरा अगला पिछला सब चुकता कर दूंगा, तू मेरा यकीन रख। लोटिया का यकीन अपने कर्जदारों की जबान का मोहताज नहीं श्यामलाल। लोटिया जब देता है तो एहसान नहीं करता, और जब लेता है तो लिहाज नहीं करता। कब से तेरी बेटी शो कर रही है? अरे मेरे हाथ में होता लोटिया तो मैं तो अभी से शुरू कर देता, पर क्या करूं, जब से साला वो लौंडा मेरी लौंडिया के पीछे पड़ा है उसके तो तेवर ही बदल गए हैं। मैं बेचारा किसी लफड़े में नहीं पड़ता, चुपचाप अपनी बेटी की कमाई पर जिंदगी बसर करना चाहता हूँ तो उसमें क्या बुरा करता हूँ भाई? अगर मेरे बेटे की जगह बेटी हुई तो उसमें मेरा क्या कसूर, तुम्हें बताओ। तू बिल्कुल सही कह रहा है श्यामलाल, जा अंदर जाके पैसे ले ले, जा। छोटे खान, छोटे इसे 20,000 रुपए दे दे, इसके खाते में लिख लेना भाई। ये सब कौन है, इनको पहले कभी नहीं देखा? ये मेरा भाई है छोटा खान। अच्छा अच्छा, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। अभी अभी जेल से छूट कर आया, नासिक बैंक रॉबरी केस में पकड़ा गया था। पकड़ा गया? राम राम, आजकल के जमाने में साफ इंसाफ रहा ही नहीं। पकड़ना छूटना तो लगा ही रहता है श्यामलाल, मुझे इसका गम नहीं, गम तो सिर्फ इस बात का है कि छोटा खान हमारे खानदान में पहला पठान है जो चर्सी हो गया। इसे ये गंदी आदत जेल में लग गई। मां कसम मैं उस आदमी से बदला जरूर लूंगा जिसने इसे जेल भिजवाया था। कौन है वो बदनसीब? मुन्ना नाम है उसका। मुन्ना? महेश कुमार उर्फ मुन्ना, वो जिसके माँ बाप नासिक बैंक रॉबरी मारे गए थे। हाँ लोटिया, तब तो तुम्हारा और मेरा दुश्मन एक है। अरे यही वो साला मुन्ना जो मेरी लौंडे के पीछे पड़ा हुआ, जिसने मेरा जीना आराम कर रखा है। तू उसका पता जानता है? हाँ बिल्कुल मालूम, अभी बताता हूँ। आइए, बहुत मेहरबानी की है आकर। यार 3 दिन से इंतजार कर रहा हूँ, आज तक किसी के लिए इंतजार नहीं किया, मगर बेवकूफों की तरह 4-4 घंटे यहाँ आकर खड़ा रहता हूँ। यार किसी को फोन कर सकती थी, ज्योति को बोल सकती थी। मुन्ना, ये हमारी आखिरी मुलाकात है, आज के बाद मैं तुमसे नहीं मिल सकती। क्या 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 कहा तुमने? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, इसलिए मैंने फैसला किया। फैसला? है कि ये हम दोनों की जिंदगी का फैसला है, और ये तुमने अकेले कैसे कर लिया? ये मत भूलो कि ये मेरी जिंदगी का भी फैसला है, जिसको करने का मुझे पूरा हक है। तू समझती क्या अपने आप को? मजाक लगा रखा है, एक झपड़ रख कर दूंगा ना तो ये सारा हकबक बाहर निकलेगा। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है मुन्ना, मैं जा रही हूँ। टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं तेरे, और खुद भी टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा। तूने समझ क्या रखा मुझे? तू मेरी जिंदगी से चली जाएगी और मैं तुझे देखता रहूंगा। मीरजादी, अगर मैं तेरे लिए मर सकता हूं तो तुझे मार भी सकता हूं, मगर मैं किसी कीमत पर तुझे अपने से अलग होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा यही रूप देखना चाहती थी। मैं देखना चाहती थी कि
तुमसे अलग होने का जितना खौफ मुझ में है उतना तुम में भी है कि नहीं। मैं देखना चाहती थी कि जिस आग में मैं जल रही हूँ उस आग में तुम भी शामिल हो कि नहीं। मैं ये देखना चाहती थी कि हमारी रोज रोज की मुलाकातों ने कहीं इस आग को ठंडा तो नहीं कर दिया। क्या हुआ? कुछ नहीं। किसने मारा तुम्हें मोहिनी? किसने? पिताजी ने तुमसे मिलने की सजा दी इसलिए मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी मुन्ना। मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ। नरक जिसे मैं अपना घर समझती थी वो सब कुछ जिसे मैं अपना समझती थी सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ। इन बदन के कपड़ों के सिवा मेरे पास और कुछ नहीं है। कुछ मोहिनी मैं तुम्हें ऐशो आराम की जिंदगी तो नहीं दे सकता लेकिन इतना तो कमा लेता हूँ कि हम तीनों का काम चल सकता है और जब काम चलेगा तो जिंदगी भी चल जाएगी। मोहिनी तुमने इतना बड़ा कदम उठाया जरूर कोई बात होगी। क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हारी शादी किसी और से कर देना चाहते हैं? वो क्या मेरी शादी करेंगे? वो मेरी शादी कभी नहीं होने देंगे। क्यों? वो मुझे सिंगर बनाना चाहते हैं। स्टेज पर नचवाकर मेरी कमाई से ऐश करना चाहते हैं। मेरी माँ के साथ भी तो उन्होंने यही किया था। माँ स्टेज पर नाचती थी गाती थी पिताजी तबला बजाते थे। दोनों में प्यार हो गया और शादी कर ली। शादी के बाद तो पिताजी ने तबला बजाना ही छोड़ दिया। तबला तो छूट गया मगर जुए और शराब ने उन्हें पकड़ लिया। नाच कर माँ जो कमाती थी ना पिताजी उसे जुए और शराब में गवा देते थे। माँ जब भी इस बात पर उनसे लड़ती थी तो उसका मुंह पिताजी तमाचों से बंद करते थे। स्टेज पर मिली तालियां और घर पे मिले तमाचों के बीच का सफर काटते काटते पता नहीं कैसे माँ में एक दिन इतनी हिम्मत आ गई कि उसने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। मैं जा रही हूँ। मैं अभी यहाँ एक मिनट भी नहीं रुक सकती। हाँ जाओ शौक से जाओ। बाहर भेड़ियों की फौज तुम्हारा और तुम जैसी उन तमाम औरतों का इंतजार कर रही है जिनके आगे पीछे कोई मर्द नहीं होता। जा जाओ। मर्दों की बनाई दुनिया में सिर्फ भेड़िए तो हो सकते हैं घर के अंदर या बाहर। अरे घर का भेड़िया कम से कम बाहर के भेड़ियों से तुम्हारी हिफाजत तो कर सकता है। क्या भरोसा? घर का भेड़िया किसी दिन मुझे बाहर के भेड़ियों के हाथ बेच भी तो सकता है। कमीना नहीं हूँ मैं। जब तक तुम्हारा फन बिकेगा ना तुम्हारा जिस्म बेचने की मुझे कोई जरूरत नहीं होगी। और जिस दिन मेरा फन बिकने के काबिल नहीं रहेगा तब 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 के लिए मेरी होनहार बेटी मोहिनी जो है मेरी बेटी को कैसे गवारा होगा कि इसका बाप दर दर की ठोकरें खाए भीख मांगे। मुझको छोड़कर मत जाना मेरी बेटी मत जाना। खबरदार जो मेरी बच्ची की तरफ आंख भी उठाई तो। चल मोहिनी। खबरदार जो एक भी कदम आगे बढ़ाया तो। जानती हूँ ये क्या है। इसे कहते हैं एसिड। क्या तेजाब? अब अगर एक कदम भी आगे बढ़ा है ना तो इस तेजाब से वो हाल करूंगा कि ना फन बेचने के काबिल रहोगी और ना ही तन। तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मैं तुम्हारी दुकान हूँ। अच्छा। जहाँ से तुम्हारी शराब तुम्हारा जुआ तुम्हारे सारे अय्याशियों का सामान आता है। इस दुकान को बंद करने की हिम्मत तुम्हें नहीं है। अभी बताता हूँ अपनी हिम्मत। सुबह जब माँ के कमरे का दरवाजा तोड़ा गया तो उसने अपना तालियों से तमाचों तक का सफर हमेशा के लिए खत्म कर दिया था मगर पिताजी पर उसके आत्मा तक असर बिल्कुल नहीं हुआ। माँ का सफर तो खत्म हो गया था मगर मेरा शुरू हुआ था। तेरा तालियों से तमाचे तक का सफर मैं आज इसी वक्त
अभी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता हूं। तू घर जा और ज्योति को लेकर मंदिर आ जाना। मैं बबन और दूसरे दोस्तों को बुलाकर बाकी का इंतजाम करता हूं। मगर किस लिए? किस लिए? बेवकूफ, आज हमारी शादी है, अभी इसी वक्त। बोल मुरावा। अगर भैया घर में होते तो तुम तो अस्पताल में होते ना। ले चलो इसको बंगार खाने में। ज्योति को उठा ले गए? कौन थे वो लोग? वो मुझे पता नहीं, जरूर मेरे पिताजी की चाल। कुछ पता है उसे कहाँ ले गए? अरे कुछ तो बोलो, उसे कहाँ ले गए? किसी भंगार खाने का नाम ले रहे थे। बबन तो पुलिस स्टेशन इसको लेके जा, मैं उनको देखता हूँ। You are under arrest. लेकिन ये कत्ल नहीं है माय लॉर्ड, सिर्फ एक हादसा है जो बहन की इज्जत बचाते हुए मुझसे हो गया। अदालत को और मुल्जिम महेश देशमुख उर्फ मुन्ना, तुम्हें भी ये जानकर खुशी होगी कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक तुम्हारी बहन पर बलात्कार हुआ ही नहीं। आपका मतलब यह है कि अगर कोई हरामजादा आपकी बहन की इज्जत लूट रहा हो तो आप तब तक इंतजार करेंगे जब तक आपकी बहन की इज्जत लूट ना जाए, ताकि आप उसकी फटी हुई इज्जत सबूत के तौर पर अदालत में पेश कर सके। अदालत ऐसी दलीलों पर नहीं, सबूत पर यकीन करती है। जब तुम्हारी भोली भाली बहन को घर से उठाया गया तब आप कहा थे? अगर बलात्कार के सिर्फ ख्याल से पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब इतना गुस्सा हो सकते हैं तो अपनी बहन पर बलात्कार होता देखकर क्या उनके हाथों से खून नहीं हो सकता? अदालत को इसमें कोई शक नहीं कि मुलजिम महेश देशमुख उर्फ मुन्ना के हाथों छोटे खान का कत्ल हुआ, मगर मुलजिम की उम्र और कत्ल के हालात को मद्देनजर रखते हुए अदालत मुलजिम मुन्ना के लिए 1 साल की कैद बामशक्कत की सजा फरमाती है और मकतूल छोटे खान के बाकी साथियों को शक के बिना पर बाइज्जत बरी करती है। यह सरासर नाइंसाफी है जज साहब, आप गुनहगारों को छूट देकर बेगुनाहों को सजा दे रहे हैं जज साहब, यह कैसा न्याय है जज साहब? यह खूनी का सिक्का मेरे माथे पर मत लगाइए, मेरी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए जज साहब। डोंट रूइन माय करियर जज साहब, अपना जजमेंट वापस दीजिए, मत जाइए, मत जाइए जज साहब, जज साहब। Yeah.
का भैया? यही सवाल मैंने अपने आप से किया था जब माँ जी और बाबू जी का देहांत हुआ था, और उसका जवाब मुझे गुजरते वक्त ने दिया था। मैं तुम्हारे बगैर मैं एक साल कैसे गुजारूंगी? ये तो सिर्फ कैद है, कल वो लोग मेरी जान भी ले सकते हैं, तब क्या करेगी तू? कब तक रोती रहेगी? अब बंद कर ये रोना धोना, तू अब बच्चे नहीं कि हर वक्त मेरी उंगली पकड़ कर चले। पी ब्रे पी तब अकेले जीना सीखो। किससे अकेला जीना सीखो भैया? जिंदगी से, जिंदगी सब सिखा देती है। लाड़ प्यार का मौसम गया ज्योति, ना इंसाफी फरेब गुनाह साजिश है, इन सब से हर कदम लड़कर जीना है तुम्हें। ये मेरी सजा है मगर इम्तिहान तुम्हारा है। गुड लक। सिर्फ एक साल की सजा? वकील साहब, 26 साल जिस भाई को मैंने अपने बच्चे की तरह पाला, उसके कत्ल की सजा सिर्फ एक साल? ये नाइंसाफी है, सरासर नाइंसाफी। आपकी अदालत में इस कत्ल की सजा सिर्फ एक साल की हो सकती है, लेकिन लोटिया पठान की अदालत में सिर्फ एक ही कानून चलता है। आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, जान के बदले जान, और भाई के बदले बहन। जेल जाते वक्त मुन्ना ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, इसलिए मैं आया। घबराओ नहीं, कल से तुम्हारी हिफाजत के लिए कोई ना कोई जरूर रहेगा। लेकिन भाया, हम 24 घंटे ज्योति के साथ रह तो नहीं सकते ना, और फिर लोटिया के आदमी किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, इस लोटिया नाम के दर्द का सिर्फ एक ही इलाज है। कौन सा इलाज? उसके सारे धंधे बंद करवा दो, वो खुद ब खुद भाग जाएगा। ये कैसे हो सकता है? सुना है उसके कई जुए खाने चलते, जिसका ठिकाना पुलिस को भी नहीं मालूम, हम कैसे पता लगा सकते? उनका भी पता चल जाएगा। मेरे को बोले यार, तुम्हारा पास जुआ कहाना नहीं, वो पता खेलता है यार। तुम्हारा होटल में कैसीनो जुआ कान किधर है? हमारे होटल में कैसीनो नहीं है। जखवातान जखमाखान अल मशीनो अल कैसीनो अल मरोरो जक मरोरो। शेख बोलते हैं अभी ये होटल करी दो, मेरे को बोला अभी ये होटल करी दो, इधर जुआ कान बनाओ, शेख अभी इधर जुआ खेलेगा। सॉरी सर, ये मुमकिन नहीं है। क्या नामुमकिन है रे? दरिद्र पोड़ा नी या बदुट को या नीने चप्प तो कर दन रे। अरे ये अरब तो तेलुगु बोल रहा है। ओए हमारा चेक का 15 अपना काम करो। ये सही इन जवा है कैसीनो जर खबूल इन जमा हो रहा है। अला खराब है, अला वतर शहद का रिटर्न अरब अरब रिटर्न अला रवा दो। ब्रदर ये वो यार खबर, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? अल मददगार, हम आपको ऐसी जगह ले जाएंगे साहब जहाँ आपकी हर तमन्ना पूरी हो सकती है। रफीक तुम किधर लाए? ये तो अस्पताल लगता है, वो जुआ खाना पैदा करो। कैसीनो किधर है? जुआ जरूर खेलेंगे साहब, आइए। इरादत इत्मीनान रखिए, यहाँ हर मर्ज की दवा है। हर टेबल पर कोई ना कोई जीत रहा हूँ। यह हमारा खास कमरा, यहाँ आप जितनी मर्जी चाय खेल सकते हैं, कोई लिमिट नहीं।
قسمت شر خمود است. سبحان الله سبحان الله. الريستو الريستو البري ما دير يا فراس. وشك بولتا ميدر كيلاغا ابي ادھر كيلاغا. حضور یہ آپ کے ملک کا پیسہ ہے، ہمارے ملک میں پیسہ نہیں چلتا. بات کرتا ہے، یہ پیسہ نہیں چلے گا، ہمارا پیٹرول چلتا ہے، ہمارا پیسہ نہیں چلے گا. نہیں چلے گا. کل 11 بجے ہوٹل میں آنا، تمہارے انڈیا کا پیسہ لائے گا، ادھر کے لے گا. جی ہاں ضرور آؤں گا ضرور. भागने की कोशिश नहीं करेगा. इसका मतलब है कि मेरा शक सही निकला. पकड़ो उस साले को. अबे भागे तुम आले लपड़ा चला रहे. हेलो पुलिस स्टेशन, हनुमान गली में जेठा भाई की राशन की दुकान है ना, उसके पीछे कुछ लड़ा हो गया है. आप लोग जल्दी आइए. आज तक चोर के पीछे पुलिस भागते हुए कई बार देखा है, लेकिन पुलिस के पीछे पुलिस भागते हुए आज पहली बार देख रहा हूँ. चल चल उठा ना मुझे. अरे मोटे तू साले हमेशा. हाँ बबन आजा बबन आजा जल्दी. कल दिन में चंदनवाड़ी पुलिस ने कई नाजायज जुए के अड्डों पर छापा मार के 25 जुए की मशीनें और बहुत सा नाजायज माल बरामद किया. इन सब अड्डों का मालिक लोटिया पठान फरार हो चुका है. पुलिस उसकी तलाश में शहर का कोना कोना छान रही है. समाचार समाप्त हुए. इन लौंडों ने तो अपना पूरा कबाड़ा कर दिया लोटिया बादशाह. अब कहां जाएंगे बादशाह, इन लोगों ने तो हमें आसमान से उतार कर खाक में मिला दिया. बबन ने जो किया वो बबन पर मेरा कर्ज है, और पठान दुनिया छोड़ सकता है कर्जा नहीं छोड़ता. बबन को ये कर्जा अपने खून की एक एक बूंद से चुकाना होगा. मोहिनी मोहिनी मोहिनी, मुन्ना से जब भी जेल में मिलने जाती हो तुम्हारे बारे में ही पूछता है. सर तुमसे मिलने के इंतजार में एक एक दिन गिन रहा है वो. मिलोगी ना मोहिनी, मिलोगी ना, मिलोगी ना. चौदह को जब मैंने कहलाया था, चौदह को जब मैंने
सुबह से था बेकरार आजा सनम आई बहार तेरा करूं दिन गिन गिन के इंतजार आजा सनम आई बहार एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरा दुनिया में बस दिन है मेरे और जा आजा सनम आई बहार तेरा करूं दिन गिन गिन के इंतजार आजा सनम आई बहार एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरा हफ्ते रे हफ्ते महीने महीने लगते साल ये जरा तू देख तो ले क्या हुआ है मेरा हाल दीवाना दर दर मैं फिरता हूँ न जीता हूँ ना मैं मरता हूँ तन्हाई की रातें सहता छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरा तेरा करो दिन गिन गिन के इंतजार आजा सनम आई बहार एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह वहां सक्सेना रिहर्सल के लिए तेरा इंतजार कर रहा है सारी लड़कियां आ चुकी हैं और तू यहाँ किसका इंतजार कर रही है तेरा खजम आने वाला है क्या बिल्कुल सही समझा आपने आज मुन्ना जैसे छूट रहा है वो सीधा यहीं आएगा यहाँ आएगा तो जिंदा वापस नहीं जाएगा चुपचाप चलने की तैयारी कर मर जाऊंगी मगर यहाँ से नहीं हिलूंगी उस कमीने के लिए अपनी जान दे सकती है लेकिन अपने बाप के लिए जी नहीं सकती मैं भी देखता हूँ तू कैसे नहीं चलती मैं आज नहीं अरे नाचेगी कैसे नहीं तेरा बाप भी नाचेगा इस घर तक तुम्हारा मुन्ना कभी नहीं पहुंच पाएगा समझी जब तक तू नाचने के लिए तैयार नहीं होगी तब तक यहीं पड़ी सड़ती रहेगी देखता हूं तेरी अकड़ भूख और प्यास के आगे कब तक टिकेगी Thank you.
गुजार है। क्या क्या काम है, चल बाहर गेट पे। चल हाँ। ज्यादा बदमाशी मत। मोइनी ऐसा फंसाऊंगा कि जब सियार नानी याद आएगी। हट जा मेरे रास्ते से। जेल तो एक बार पैसे। अरे मेरे पैसे। मोइनी क्या करता है अब? मोइनी कभी नहीं मिलेगी। मोइनी साला मोइनी मोइनी क्या चिल्लाता है? जवाब दो मोइनी। हाँ चिल्ला और तो से चिल्ला। मोइनी मोइनी मोइनी। अरे पैसे नीचे। श्यामलाल अब तू हम दोनों को ज्यादा देर जुदा नहीं रख सकता। अगर तूने उसे पाताल में भी छुपा रखा होगा ना तो मैं जमीन फाड़ कर वहां से भी निकाल लाऊंगा। तुम आ गए मुन्ना, मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। पिताजी कहते थे तुम मुझे नहीं ढूंढ सकोगे, मगर मुझे विश्वास था कि तुम मुझे जरूर ढूंढोगे मुन्ना। मुन्ना तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे ना? हाँ मुन्ना। बेवकूफ लड़की, तेरा मुन्ना कभी वापस नहीं आएगा। क्या हुआ मेरे मुन्ना को? सुना किसी ने बड़ी बेहरामी से तड़पा तड़पा के खून कर दिया। झूठ बोल रहा है। तेरा मुन्ना मर गया है। नहीं। पहले उसकी धीरे धीरे एक एक करके उंगलियां काट दी गई। अगर तू वहां होती तो देखती जहां उसकी उंगलियां थी वहां मांस का सिर्फ एक लोथड़ा रह गया। फिर एक एक करके उसकी टांगे काट दी गई। बेचारा चिल्ला रहा था मुझे छोड़ दो, मुझे अपाहिज मत करो, लेकिन कुल्हाड़ी के एक ही वार से 5 फुट 10 इंच का मुन्ना 3 फुट 2 इंच का रह गया। और आखिरी बार जब कुल्हाड़ी उसके सीने पर उतारी गई तो छटपटाते हुए मुन्ना के मुंह से सिर्फ एक ही लफ्ज़ बार बार निकल रहा था, मोहिनी मोहिनी मोहिनी। अगर तुम वहां होती तो देखती जो खून उसकी रगों में बह रहा था वो धीरे धीरे सारी सड़क पर फैल गया और जाया हो गया। निकाल दिया साले को। क्यों? हरामजादे ने मेरी दुकान लुटवा दी। जिसे देखो वो उसे चने के झाड़ पर चढ़ा रहा है और मुफ्त में चाय पानी नाश्ता उड़ा रहा है। पूरे 145 रुपए उड़ा दिए मेरे। अगर वो यहाँ नजर आ जाए तो टांगे तोड़ दूं साले की। मुन्ना भाई, क्यों बे? फिर यहाँ आ गया? देखो सेठ जी, मैं कस्टमर की हैसियत से आया हूँ और अगर चाय पीने को कहता हूँ तो मैं पैसे भी देता हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये लो पैसे लाओ। नाश्ता नहीं करेंगे सेठ जी? 2 ऑमलेट लाओ। 10 रुपए। ना नाश्ता मिलेगा ना चाय, बाकी रह गए 135। मुन्ना भाई, मैं तो आप ही को ढूंढ रहा था, आपके लिए घर पर भी होकर आया। क्यों? आपको मोहिनी की तलाश है ना? हाँ। मुझे पता है मोहिनी कहाँ है। मोहिनी? तुम्हें कैसे पता चला? मैं जिस जगह काम करता हूँ ना उसी के बगल में एक मकान है, वहीं पर उन्होंने मोहिनी को बंद करके रखा हुआ है। चला कि मैं यहाँ कैद हूँ। वो अपना गुलदस्ता ने कैंटीन वाला उसने बताया। वो सिंगर? हाँ। लेकिन कुछ दिन पहले तो मैंने उसे पिताजी से मिलते हुए देखा। गुलदस्ता को? हाँ। मुझे कुछ खतरा लग रहा है, ये जरूर किसी की चाल है। ठहरो मैं देखता हूँ। मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। नहीं।
मुझे डर लगता है, कितनी मुश्किल से काटा है मैंने एक साथ। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं अकेली नहीं जी पाऊंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ कैसे? मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, तुम यहाँ से जाओ प्लीज, तुम्हें मेरी कसम, चले जाओ यहाँ से। आपने तो मुझे बिल्कुल मरवा दिया श्यामलाल जी। मैंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया, मोहिनी और मुन्ना की खबरें लगातार आपको देता रहा, मुन्ना को फंसवाया, लेकिन आपने लक्ष्मीकांत प्यारे लाल तो जाने दीजिए, किसी ऑर्केस्ट्रा पार्टी वाले तक से मुझे नहीं मिलवाया। अरे मिलवा देंगे भैया। अरे अब क्या खाक मिलवाएंगे, कल रात मुन्ना पुलिस को दाव देकर निकल गया, अब सुना है वो मेरी जान के पीछे लगा हुआ है। अरे भाई तुम इतना डरते गए हो, वैसे भी उस पर घर में डाका डालने का केस पड़ चुका है, पुलिस उसके पीछे है, और तुम्हें इतना डर लगता है ना, तो ये लो पैसे और तुम ऐसा करो गांव चले जाओ। नहीं श्यामलाल, कुलदस्ता गांव नहीं पुलिस स्टेशन जाएगा। मामा मुझे मरवा दिया ना। ये रहा मेरी बेगुनाही का सबूत, पूछ लीजिए इससे कि सच्चाई क्या है। मुझे मारो मत साहब, मैं तो सिंगर हूँ साहब, मैं सब बता दूंगा साहब, सब सरकार सब बता, ये सब बदमाशी असल में सरकार श्यामलाल की है, पूछ लो है ना, बोल लो। राजगोपाल। यस सर। बयान लो इसका। चलो चलो मैं चलो बता दूंगा ना साहब, मेरे को कहाँ ले जा रहे। बैठिए सर, आप नहीं जानते ये श्यामलाल किस हद तक बदमाश है। अच्छा, पिछले साल ही उसने इंस्पेक्टर साहब, ये तो गुलदस्ता के चिल्लाने की आवाज है। चिल्लाओ मत, ये पुलिस स्टेशन है, कोई कॉलेज की कैंटीन नहीं। लेकिन वो इसे पीट रहे हैं सर, ये सरासर गलत है। क्या सही है और क्या गलत है हम अच्छी तरह जानते हैं, समझे। लेकिन किसी गवाह का बयान लेते वक्त उसे पीटने का ये नया कानून निकला क्या? Shut up! How can you do this to him? How? ये रहा उसका बयान, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, और ये रहे पैसे जो मुन्ना और उसने श्यामलाल के घर से चुराए थे। ये क्या हो रहा है सर? चुप कर, बंद करो इस गुंडे को हवालत में। You bastard! That fight of the enemy was right! You cannot come again! तूने सारे रिश्वत खाई है श्यामलाल से! श्यामलाल से रिश्वत खाई है! खाई है कि नहीं बोल! खाई है कि नहीं! सारा तुम जैसे लोग इस देश को बर्बाद कर देंगे! बर्बाद कर देंगे! बर्बाद कर देंगे! हाथ पुलिस पे हाथ उठाता है हाँ? सरकारी कुत्ते, तू साले मुझे बेल से मारेगा। गवाहों के बयानात, चश्मदीद गवाह और तमाम तहकीकात के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि महेश देशमुख उर्फ मुन्ना 14 फरवरी की रात को मूलचंद कोचर के घर में डाका डालने के इरादे से पहुंचा, जहां से वो पुलिस को धोखा देकर फरार हुआ। फिर 15 फरवरी को दिन दहाड़े उसने अपने साथी अब्बास अली उर्फ गुलदस्ता के साथ मिलकर श्यामलाल के घर डाका डाला। इस जुर्म के लिए अदालत अब्बास अली उर्फ गुलदस्ता को 1 साल कैद बामुशक्कत की सजा देती है, और मुन्ना को, जो इस शहर के लोगों के लिए एक दहशत बन चुका है, 1 साल तड़ी पार करने का हुक्म देती है। उसे इस 1 साल में इस शहर में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। अब तो आपको यकीन हो गया सर कि क्यों आपके पेशे पर से मेरा भरोसा उठ गया। मगर मुझे खुशी होगी अगर मैं तुम्हारा भरोसा वापस ला सकूं। उसके लिए आपको एक कीमत चुकानी होगी सर। तड़ी पार मुन्ना को वापस महेश देशमुख बनाने के लिए कोई भी कीमत चुका सकता हूं,
फिर आप मुझे 24 घंटे की मोहलत दीजिए, आप मेरा भरोसा कीजिए, मैं आपका भरोसा करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। गाड़ी रोको। बेस्ट ऑफ लक। इतनी बड़ी बस्ती में मोहिनी को ढूंढना काफी मुश्किल है, पता नहीं कि संदेरी कोठरी में होगी। ऐसा करते हैं, हम सब बस्ती में फैल जाते हैं, जिसको भी मोहिनी की पहले खबर मिलेगी वो हम सबको खबर कर देगा। Come on!
मेरी बस्ती से जिंदा बचकर जा नहीं सकेगा तू। जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, और तू ही मुझे यहां से ले जाएगा। चल यार। ए बिजट, ज्यादा होशियारी की तो चाकू घुसेर दूंगा पठान के अंदर। चल चल बेटा, पूरी लोग चलो भागो यहां से। तेरी हिम्मत की दाद तो तेरा दुश्मन भी देगा मुन्ना, क्योंकि मेरे इशारे के बगैर इस बस्ती के बाहर एक सुई तक नहीं जा सकती, और तू इस लांडिया को ले जा रहा है। मैं यहां से सिर्फ ये लड़की नहीं ले जाऊंगा। आज मैं तुम्हारी पाप से भरी लंका को जलाकर राख करके जाऊंगा। जिंदगी का एक ही मकसद होगा, मुन्ना की मौत। मुन्ना, अब मैं तुम्हें अपने से अलग नहीं होने दूंगी, एक पल के लिए भी नहीं होने दूंगी। तुम नहीं जानते इस एक साल में मैं किस नद से गुजरी हूं। नींद तो एक पल भर के लिए भी नहीं आती, क्योंकि घोड़ों की मार खाते खाते बेहोश हो जाने की शायद आदत सी पड़ गई है। मैं वो सब कुछ छोड़ देना चाहती हूँ, वो नाच, वो गाना, वो हवेली, वो शोहरत, वो पैसा, सब कुछ छोड़ देना चाहती हूँ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम्हारा नाम, पैसा, शोहरत, हवेली कुछ नहीं तो तुम्हें रखा ही क्या है जो मैं अपने साथ ले जाऊं? तुम क्या कह रहे हो? वही जो तुम सुन रही हो। अगर तुम मुझे ऐशो आराम की जिंदगी नहीं दे सकती तो तुम्हारे प्यार का फायदा क्या? क्या इसीलिए तुमने मुझसे प्यार किया था? अगर सगा बाप भी प्यार के एवज में दौलत की उम्मीद रखता है, उसकी उम्मीद मैंने रखी तो कौन सा गुनाह किया? तुम चाहते क्या हो? वही जो तुम्हारा बाप चाहता है, कि तुम नाचो, गाओ, पैसा कमाओ, जिस पर सिर्फ मेरा हक होगा जितना तुम पर है। झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो तुम। इसमें सच या झूठ की बात ही क्या है, ये सच्चाई है। एक साल तड़ी पारी की सजा काटते काटते चोर, बदमाश और गुंडों के साथ रहकर मैंने दुनिया के असली रूप को समझा मोहिनी। इस दुनिया में ना प्यार काम आता है ना सपने। मैंने भी अपने सपनों से प्यार किया था, मगर क्या हाथ लगा मेरे। मैं समझता था कि मेरे सपने मेरी मुट्ठी में, मगर रेत की तरह कब वो मेरी मुट्ठी से फिसल गए मुझे पता ही नहीं चला। ये सच्चाई है।
उसी तरह तुम्हारा मुन्ना भी बदल गया है, उसके सपने बदल गए हैं, यह भी सच्चाई है। अब उसके सपने अमीर बनने के, दुनिया का हर सुख हासिल करने के लिए, और यह सब हासिल करने के लिए उसे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े वो अपनाएगा। Ah!
जगत अब अंधेरे में है, अंधेरे में है, अंधेरे में है। हो सो गई है सारी मंजिलें, ओ सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गया ये जहां, सो गया आसमां। ए बुड्ढे, ये ले तेरी लौंडिया। बेटी आ गई। और अपना माल निकाल। माल? कैसा माल? रोकड़ा 50,000। याद है? क्या याद दिलाना पड़ेगा? अरे क्या याद दिलाना पड़ेगा भाई? श्यामलाल जी, ऐसे आदमी के मुंह लगने से कोई फायदा नहीं, पैसे दे दीजिए। पैसे? मैं दे दूं? मैं कहां से पैसे लाऊं भाई? अरे उस दिन तो मैंने आपको 50,000 रुपए दिए थे कि पता नहीं कब ये मोहिनी को लेकर आ जाए और पैसे देने की जरूरत पड़ जाए, नहीं देने पर ये बेवजह झगड़ा करेगा। आपको पैसे दिए थे कि नहीं मैंने? अरे दिए होंगे तब, अब खर्च हो गए, अब हमारे पास नहीं, अब जब पैसे होंगे तब देंगे, अभी जाओ यहां से, जाओ। ए श्यामलाल, ये नौटंकी बहुत हो चुकी, तेरी लौंडी आ गई ना, अब चुपचाप मेरा माल निकाल। अरे नहीं देंगे तो क्या कर लोगे तुम? हाँ जब तक मेरा माल नहीं मिलता ये लौंडिया मेरे पास रहेगी, माल दे के ले जाना इसे। अरे सर रोको इसे भाई। ठहरो, पैसे मैं देता हूँ, ये लो गिन लो। मुझे पता आपका हिसाब कभी गलत नहीं होगा सक्सेना साहब, फिर कोई काम हो तो जरूर याद कीजिएगा। जरूर, क्यों नहीं। खुद को मोहिनी की नजरों में तुमने इस तरह गिरा दिया, अपने आप को किस बात की सजा दे रहे हो भैया? तो और क्या करता, उसे अपना भी तो सकते थे, उसे घर मिल जाता और मुझे भाभी। ये नामुमकिन है ज्योति। ठीक है, जिसे तुम नामुमकिन समझते हो उसे मैं कर दिखाती हूँ। अभी जाकर उसे सब कुछ सच बताती हूँ, फिर देखते उसे कैसे टालते हो। बेवकूफ मत बनो, तुम उसे घर देना चाहती हो, वो तो उसे सक्सेना भी दे सकता है, लेकिन मैं इतना नहीं पा रहूं। पुलिस मेरे पीछे भाग निकली, मेरे पैरों के नीचे जमीन कब पड़ती है, तो घर कहां से दूंगा? इस बात का रंग जरूर रहेगा कि मैं तुम्हें कभी भाभी नहीं दे सका। और प्यार? प्यार तो रहेगा, उसके दिल में नफरत की तरह और मेरे दिल में नासूर की तरह। सर, मैंने अपना वादा पूरा किया सर। लॉर्ड, यह शख्स जो आपके सामने लाया गया है, इसका जुर्म सिर्फ इतना ही नहीं है कि इसने तड़ी पारी का हुक्म तोड़ा, इसके जुर्म की किताब जितनी गंदी है उतनी ही मोटी भी है। लॉर्ड, मासूम के कत्ल के इल्जाम में 1 साल की सजा काटने के बाद भी मुल्ज़िम मुन्ना ने सबक नहीं सीखा। मिलोट कोचर साहब के फार्म हाउस पर नाकामयाब डाका, तबलानवाज पंडित श्यामलाल जी के घर अपने साथी गुलदस्ता के साथ डाका, इस शहर के काबिल और होनहार इंस्पेक्टर गुप्ता पर कातिलाना हमला। ऐसा लगता है इस शहर के तमाम इज्जतदार लोग और जिम्मेदार शहरियों के खिलाफ इस शख्स ने जंग छेड़ रखी है। ये कातिल ऐसे हैं जिनका धर्म और ईमान सिर्फ गुनाह और जुर्म करने का है। ऐसे कातिलों को मिलोड हमेशा के लिए समाज से दूर रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा तेजाब है जो जेल की शीशी के बाहर आया तो सारे समाज को जलाकर राख कर देगा। मैं तेजाब हूं, मैं तेजाब हूं, मैं कबूल करता हूं कि मैं तेजाब हूं, मगर मैं पूछना चाहूंगा कि कहां से आया तेजाब? मैं आपसे, मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर से, यहाँ बैठे एक एक आदमी से सबसे पूछना चाहूंगा कि कहां से आया तेजाब? मेरी मां की कोख से यह तेजाब पैदा नहीं हुआ था माय लॉर्ड। एनसीसी की वर्दी में जिसने देश और समाज के लिए मर मिटने की कसम खाई थी और अपनी जान पर खेलकर अपने मां बाप को खोकर भी वो कसम निभाई थी, वो तेजाब नहीं था माय लॉर्ड।
मैं महेश देशमुख तेजाब नहीं था माय लॉर्ड। जूली एक लाश देना, ये मेरे 500 की चाल। क्या हो रहा है गुप्ता? हाँ कुछ नहीं यार, थोड़ी सी तफरी और क्या। जब ड्यूटी तफरी बन जाए और जुआरी वर्दी से डरने की बजाय वर्दी के साथ बैठकर जुआ खेलने लगे तो दाव पर चंद सिक्के नहीं मुल्क की किस्मत भी लग जाती है गुप्ता। तुम साबित क्या करना चाहते हो गगन सिंह? कुछ नहीं, तुमने पुलिस की ताकत दिखाकर सच को झूठ साबित किया था, आज मैं वही ताकत दिखाकर सच साबित करना चाहता हूँ। कौन सा सच कौन सा झूठ? इस बेल्ट को देखो, कुछ याद आया? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैं चलता हूँ। रुक जाओ इंस्पेक्टर, सब याद आ जाएगा, ये बेल्ट तुझे सब याद दिला देगी। बेल्ट मेरे पास भी है इंस्पेक्टर। सिर्फ बेल्ट काफी नहीं होती इंस्पेक्टर, जो हाथ रिश्वत लेते लेते और अपने फर्ज के साथ गद्दारी करते करते घिस जाते हैं उनमें बेल्ट इस्तेमाल करने की क्या उठाने तक की ताकत नहीं होती। किस बेगुनाह को मारा था बेल्ट से? मुल्ला। क्या किया था उसके साथ? फंसाया था। कैसे फंसाया था? झूठी गवाही से। किसकी झूठी गवाही? गुलदस्ता की। झूठी गवाही कैसे दिलवाई थी? पिटाई करके। तेरी याददाश्त तो जंगली हाथी से भी अच्छी है गुप्ता, ये याददाश्त कोर्ट पहुंचने तक बरकरार रहे, इसी में तेरी भलाई है। मुझे जितना याद था वह सब मैंने कह दिया है मिलॉर्ड। मुन्ना मुन्ना बेगुनाह है, मगर पैसों के लालच में मैंने उसे गुनहगार साबित किया था। इंस्पेक्टर गुप्ता के इकबाली बयानात को मद्देनजर रखते हुए अदालत मुलजिम महेश देशमुख उर्फ मुन्ना पर लगाए गए इल्जाम वापस लेती है और इंस्पेक्टर गुप्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का हुक्म देती है। देखो मुन्ना, तुम पर की गई तमाम नाइंसाफियों के बावजूद ये देश ये समाज तुम्हारा अपना ही तो है, इसी देश के लिए तुम्हारे पिताजी शहीद हुए थे, इससे रूठकर तुम कहीं नहीं जा सकते। मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? अकेले ही तो कुछ किया जा सकता है, सभी इंतजार करते हैं कि कोई और करेगा, कोई दल करेगा, सरकार करेगी, कोई समाज करेगा, और इसी इंतजार में कोई कुछ नहीं करता। इस खून डकैती और तड़ीपार के सिक्के के साथ इस शहर में मेरे लिए कैसे मुमकिन है? यहाँ नहीं, गोवा में, वहां एक मेरे दोस्त का शिपिंग का कारखाना है, मैंने उसे तुम्हारे बारे में बात भी कर ली है, तुम वहां जाओ और अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करो। कम ऑन महेश, चेयर अप, दैट्स बेटर, चलो। गुलदस्ता तुम आओ, अंदर आओ। तुम यहां कैसे? मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ, बब्बन ने बताया कि तुम हमेशा के लिए शहर छोड़कर गोवा जा रहे हो। मुझे शहर ने नाम दिया था मुन्ना, फिर इसी शहर ने एक नया नाम दिया तड़ीपार। इन दोनों से रिहा होकर एक नए नाम के साथ एक नए शहर में एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहा हूँ। मगर मोहिनी को छोड़कर? वो सब कुछ छोड़कर जो इस शहर ने मुझे दिया, दोस्त भी दुश्मन भी। मैं तुम्हें मोहिनी के बगैर नहीं जाने दूंगा, हरगिज़ नहीं जाने दूंगा। आदमी को सिर्फ रिश्ते रोकते हैं गुलदस्ता, और मेरा कोई रिश्ता नहीं। एक रिश्ता है मुन्ना, और उसे बचाने की कोशिश मैं जरूर करूंगा। मेरे और मुन्ना के बीच ऐसा कुछ नहीं रहा जिसे बचाने की कोशिश की जाए, समझे? नहीं मोहिनी, तुम्हारे और मुन्ना के बीच में जो कुछ रह गया है वो मैं मुन्ना की आंखों में देख कर आया हूँ। क्या देख कर आए हो? पैसे की हवस? उसके लिए मैं मोहिनी नहीं, एक बुट्ठे की लौंडिया बन गई हूँ, जिसे छुड़ा कर लाने के लिए उसने मेरे बाप से सौदा किया और एक नर्क से लाकर दूसरे नर्क में झोंक दिया।
मैंने कितने विश्वास से अपने आप को उसके हाथों में सौंप दिया, अपने आप को भूल कर उसे प्यार किया, लेकिन उसने उसने अपने फायदे के लिए मेरा इस्तेमाल किया, रौंद दिया अपने पैरों तले मेरी भावनाओं को। नफरत करती हूं मैं उससे, नफरत करती हूं उसके ख्याल से, नफरत करती हूं। यही तो चाहता था वो कि तुम उससे नफरत करने लगो। हां मोहिनी, वो जानता था कि जितना वो तुमसे प्यार करता है उतना ही प्यार तुम भी उससे करती हो, और जब तक वो तुम्हारी नजरों में गिर नहीं जाता, तुम्हारी नफरत का शिकार नहीं हो जाता, तब तक तुम किसी दूसरे से शादी नहीं करोगी। तुम्हें सक्सेना के महल में राजकुमारी बने देखना मंजूर था उसे, मगर यह मंजूर नहीं था कि उसकी मोहिनी एक तड़ी पार खूनी के साथ दर बदर की ठोकरें खाती फिरे। सक्सेना? हाँ, क्योंकि उसे पता चल गया था कि सक्सेना तुमसे शादी करना चाहता है। और वो रुपए जो उसने मेरे सामने लिए थे? बांट दिए, सब बांट दिए उसने अपने बेरोजगार दोस्तों में। जो हुआ उसे मैं बदल तो नहीं सकता, मगर जो नहीं होना चाहिए उसे रोकने की कोशिश तो कर सकता हूं। कोई नहीं, जब लोटिया ने तुम्हें उठवा लिया था तब इस शहर में सिर्फ एक हाथ था जो लोटिया तक पहुंचकर तुम्हें रिहा करवा सकता था, मुन्ना का हाथ। और आज जब वो एक गुमनाम जिंदगी बिताने हमेशा के लिए शहर छोड़कर जा रहा है, तब भी उसका साथ देने के लिए इस पूरे शहर में सिर्फ एक ही हाथ है, तुम्हारा हाथ। इन दोनों हाथों को मिलाना ही मेरी जिंदगी का मकसद है, और जरूरी हुआ तो मेरी मौत का मकसद भी। जाओ मोहिनी, जाओ। ठहरो मोहिनी, तुम कहीं नहीं जाओगी, चलो अंदर। अब वो नहीं रुकेगी श्यामलाल। अबे हाथ बिंदी के शोर पे। ये मेरा जिस्म जो है कोई बहुत तगड़ा नहीं है श्यामलाल, मगर जेल की काल कोठरी में तप तप कर मैंने अपनी रूह को मजबूत बनाया है, और कभी कभी रूह जिस्म से ज्यादा ताकतवर होती है। जा मोहिनी, जा। जा रही है फिर। जा मोहिनी, जा। आज तुझे कोई नहीं रोक सकेगा। कस्टमर आ रहा है, वहां धुआं धुआं। अरे बब्बन, ये तो तेरा पुराना कस्टमर आ रहा भाव। ए सेठ, पटकटी को छोड़ना मत, पकड़ के रख। जल्दी भाग चल, नहीं तो ये बदमाश मेरा मुंह पर भी फिकवा देगा। ए नान कटाई बैंड, मेरा थोबड़ा क्या देख रहा हो, जल्दी से काम पर लग जाओ, बहुत काम बाकी है। ले भाई ले। ए भाई, सू रखा था किधर है भाई? नटबोल खोल के गया, नटबोल यार का निकाल के वहां लगा। बबन भाई, बबन भाई, गजब हो गया। क्या हो गया? वो लोटिया पठान वापस आ गया है, हथियार में छुपा हुआ है, कह रहा था मुन्ना भाई को खत्म कर देगा। मुन्ना तक पहुंचने से पहले उसे मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। अरे मुन्ना भैया, आप? ए चांदी, बबन कहाँ है? लोटिया पठान तुम्हें मारने के लिए डॉकयार्ड में छिपा है, उसी से मारवाली करने गए। मुझे तो तुझसे भी हिसाब चुकाना था बबन, अच्छा हुआ तू यहीं आ गया। मुन्ना तक पहुंचने से पहले तुझे रोकने के लिए मैं यहां तो क्या, तेरा पाताल तक पीछा करूंगा लोटिया। फोड़ डालो सालों को।
से हिसाब तो मुझे चुकाना है। छोड़े चक्कू छोड़, बंदा तेरी जिंदगी अभी शुरू हुई, निकल जा यहाँ से। तेरी जिंदगी भी तो तेरा इंतजार कर रही है बब्बन। सामने झुकना सीखो। मुझे निहत्ता करके अपनी बहादुरी दिखा रहा इंस्पेक्टर। हिम्मत है तो पिस्तौल हटा के बात कर, फिर बताता हूं कि कौन सा कानून लोटिया पठान को झुका सकता है। तो जैसे देशद्रोहियों को कानून के पैरों पर झुकाने के लिए न वर्दी की जरूरत है और ना ही इस पिस्तौल की, मेरे देश के नौजवानों के सिर्फ दो हाथ ही काफी है। महेश, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें कानून को अपने हाथ में लेने दिया, यह जुर्म है, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा किया।
क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम्हारे अंदर का तेजाब बाहर निकालने का यही एक तरीका बाकी रह गया है। अब मेरा मकसद पूरा हो गया। कानून जो भी सजा दे, मैं भुगतने के लिए तैयार हूं।